मनी हेल्थ शो में हूँ नेहा बजाज और हर वीडियो में हम आपको मिलवाते हैं एक सुपर स्पेशलिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट से ताकि आपको सही राय मिले। लेकिन आज का वीडियो देखने से पहले करना है आपको एक काम, जी मनी हेल्थ शो के यूट्यूब पेज पर जाना है, हिट द बेल आइकन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज के वीडियो में हमारे साथ नोएडा उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं डॉक्टर विकास कुमार जो की एक एंडोडोंटिस्ट है एंड रूट कनाल स्पेशलिस्ट है, उसके अलावा डायरेक्टर है डॉक्टर विकास एथिकल डेंटल केयर सेक्टर 61 नोएडा में। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बेस्ट एंडोडोंटिस्ट का अवार्ड जीत चुके हैं ये साल 2017-18 में। सो समझ लीजिए आज बिल्कुल स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट राय आपको मिलने वाली है। ऑन दैट नोट डॉक्टर विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मनी हेल्थ शो में। थैंक्स फॉर इंट्रोडक्शन नेहा एंड आई वेलकम एवरी ऑडियंस हियर फॉर अ वेरी इंफॉर्मेटिव राउंड ऑफ सेशन ऑन रूट कैनाल। Yes, और जैसे कि रूट कनाल जो है, मतलब अगर मैं अपने घर की बात करूं, मेरे मम्मी पापा कजिन्स, मतलब वो रूट कनाल तो सबने एक ना एक बार करवाया ही हुआ है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी जानकारी मिल जाए, सही सलाह मिल जाए तो क्या कहने। तो अब आप ये बताइए कि व्हाई डू पीपल नीड टू हैव अ रूट कनाल। फर्स्ट रीजन इज द नेग्लिजेंस ऑफ द पीपल, मोस्टली बिकॉज ऑफ इट टूथ डिकेज एट द एक्सटेंट वेयर रूट कनाल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। हमारा जो दांत है ना, इनेमल, डेंटिन और पल्प से बना हुआ है, तो जैसे ही पल्प तक इन्फेक्शन पहुंचता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उस सिचुएशन में रूट कनाल ट्रीटमेंट इज द ओनली ऑप्शन। अगर इनेमल और डेंटिन तक है कैविटी, तो भगवान आपको सिग्नल देता है कि आपको सेंसिटिविटी है, आपको खट्टा लग रहा है, यू गो एंड सी योर डेंटिस्ट। लेकिन पेशेंट नहीं आते, वो सेंसोडाइन यूज करते हैं, लॉन्ग लगाते हैं और वो सीधा रूट कनाल ट्रीटमेंट के लिए ही आते हैं। अच्छा, and sir, which is better, root canal या फिर tooth extraction? आप अपने, आपके जो patients आते हैं, सबसे ज़्यादा root canal better आप क्या prefer करते हैं? I prefer to save the because tooth are the natural implant given by the God. तो उनकी जो settings bone के साथ है ना, बहुत अच्छी होती है, तो वो जितना last तक save कर सकते हैं, दांत को बचाना is more important than doing implant. अच्छा सर, हमें इस ट्रीटमेंट के बारे में बताइए कि व्हाट इज द रूट कनाल ट्रीटमेंट। और अधिकतर ऑफ कोर्स किसी भी डेंटल प्रोसीजर से जुड़ा होता है ढेर सारा दर्द, तो क्या ये पेनफुल प्रोसीजर है, पेनलेस प्रोसीजर है? नहीं, रूट कनाल ट्रीटमेंट इज कम्प्लीटली पेनलेस। ट्रीटमेंट के टाइम कोई भी दर्द नहीं होता। पोस्ट ऑपरेटिव यू माइट फील पेन फॉर 2-3 डेज, लेकिन ट्रीटमेंट के टाइम पे कोई भी दर्द नहीं होता। रूट कनाल ट्रीटमेंट में ना, हमें नर्व और ब्लड सप्लाई जो इन्फेक्टेड हो जाता है कैविटीज की वजह से, वो रिमूव करना होता है और एक इनर्ट मटेरियल से उसे रेस्टोर करके बोन और टूथ का कनेक्शन बिल्कुल अलग करना पड़ता है। और इसमें क्या बताए रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में? रूट कनाल ट्रीटमेंट इज कम्प्लीटली पेनलेस और अच्छे से हो तो इट लास्ट लाइफ लॉन्ग। ऐसा नहीं है कि वो खराब हो जाता है, तो इट्स और रूट कैनाल ट्रीटमेंट से जो पेन के एपिसोड्स होते हैं पेशेंट के, पेशेंट कंप्लेन कि मुझे हर रात दर्द होता है, तो वंस वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑल दिस थिंग्स सबसाइड्स। अच्छा, एंड सर, जब पल्प, यू नो, जैसे दांतों की लेयर्स होती हैं, डेंटिन, पल्प, ये सब आपने बताया, तो अगर पल्प तक इन्फेक्शन पहुंच चुका है, क्या तब उस स्टेज पर भी रूट कैनाल प्रिवेंट किया जा सकता है? यस, इट कैन बी प्रिवेंटेड एट दैट स्टेज ऑल्सो। दो चीजें होती है, एक तो ये होता है कि जब हम लोग कैविटी रिमूव करना स्टार्ट करते हैं, तो जो डेंटिन के पास जो कैविटी होता है, उसको रिमूव करने के टाइम पे पल्प गेट्स एक्सपोज्ड। अगर एक्सपोज होने के बाद ब्लीडिंग विल स्टार्ट एज इट कंटेन्स द ब्लड सप्लाई, तो आप 2 मिनट वेट करके इफ यू कैन कंट्रोल द ब्लीडिंग, अगर वहां से ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है, तो देयर आर एडवांस मटेरियल्स लाइक एमटी एंड ऑल, वो लगा के यू कैन सेव द टूथ विदाउट रूट कैनाल ट्रीटमेंट ऑल्सो। ओके, एंड सर, क्या रूट कनाल का कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है, जो जैसे आपके पास पेशेंट्स आए और आपने उसका कोई अल्टरनेट, कोई दवाई, कुछ और, कुछ भी? नहीं, रूट कनाल का कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, बिकॉज़ व्हाट हैपेंस वंस द पल्प इज इंफेक्टेड, आपके दांतों का ब्लड सप्लाई चला जाता है। इफ पेशेंट ईट्स एंटीबायोटिक, तो वो बॉडी में जहां इंफेक्शन होता है, वो ब्लड के थ्रू जाता है। तो एनी ऑर्गन जहां कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, वहां एंटीबायोटिक पहुंचेगा ही नहीं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज द ओनली ऑप्शन टू रिमूव द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मैनुअली बाय रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ओके, और इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इज एक्सट्रैक्शन। ओके, तो रूट कैनाल ही है।
एंड डॉक्टर विकास, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है जो हर कोई जानना चाहेगा, थिंग्स टू बी अवॉइडेड ड्यूरिंग एंड पोस्ट ऑपरेटिव रूट कनाल, और अगर आप हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स शेयर करना चाहें जिससे रूट कनाल की नौबत ही ना आए। वैसे तो वी आस्क पेशेंट टू ईट लॉट ऑफ आइसक्रीम आफ्टर रूट कनाल ट्रीटमेंट। नथिंग हैज टू बी अवॉइडेड आफ्टर रूट कनाल ट्रीटमेंट। आपका रूट कनाल ट्रीटमेंट हुआ, यू कंटिन्यू योर विद मेडिकेशंस, और जो आप खाना खाते हैं नॉर्मल खाना खाते रहिए। व्हाट हैपेंस कि रूट कनाल इज अ टूथ इज अटैच्ड बाय लिगामेंट, तो जब ट्रीटमेंट करते हैं तो लिगामेंट पे थोड़ा प्रेशर होता है, तो दैट पोस्ट ऑपरेटिव इन्फ्लेमेशन विल बी देयर। उसके लिए ढेर सारा आइसक्रीम खाना है ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, नेक्स्ट डे पेशेंट को दैट कम हो। एंड प्रिवेंटिव मेजर्स आर यू विजिट डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ। कभी भी आपको सेंसिटिविटी हो, अगर आपको ठंडा और गर्म लग रहा है, तो इट्स द टाइम टू विजिट डेंटिस्ट टू अवॉइड द रूट कनाल। ओके, तो यहाँ पर डॉक्टर विकास ने हमें बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से बताया अबाउट रूट कनाल और डेंटिस्ट को विजिट करना। 6 महीने में अपने कैलेंडर में आप मार्क ही कर लीजिए। तो इसी के साथ डॉक्टर विकास, कोई एक टिप ऑफ द डे जो आप सभी व्यूअर्स को देना चाहें? सभी व्यूअर्स को मोस्टली इट्स अबाउट ब्रशिंग। एवरी डे यू हैव टू ब्रश ट्वाइस एटलीस्ट। आइडियली यू हैव टू ब्रश आफ्टर एवरी मील, बट इट्स नॉट पॉसिबल। तो दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना जरूरी है, वंस इन द मॉर्निंग। इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू डू इट बिफोर ब्रेकफास्ट और आफ्टर ब्रेकफास्ट, एंड वंस इन द इवनिंग आफ्टर योर डिनर। एंड विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू डू रूट कनाल ट्रीटमेंट डेली। So just to avoid that, you visit your dentist, get the restorations done instead of root canal treatment. Okay. Fillings done instead of root canal treatment. Definitely. तो इसी के साथ डॉक्टर विकास, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला। Thank you so much. Thank you very much. तो ये थे डॉक्टर विकास, जिन्होंने आज हमें बताया रूट कनाल के बारे में और कैसे इस ट्रीटमेंट में क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, कैसे अपने दांतों की देखभाल करनी है। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, और अगर किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। टिल देन अपने दांतों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। बाय बाय।